ट्रैक। जैसा कि आप यहाँ पे पुल भी देख रहे हैं, यहाँ पे जल थल वायु, अब तो वायु भी हो गया भाई, हेलीपैड भी बनने वाला है, पता है कि नहीं आपको? देखिए दर्शक लोग कमेंट किए थे जो है कि ज्योति जो है बनारस के बाहर कब निकल रही है वीडियो करने के लिए। अरे बहुत जल्द निकलेंगे, एक्चुअली निकलने वाले भी थे। गोदौलिया का पनवा छोड़िए कि नहीं छोड़िए? नहीं नहीं छोड़ी है। गंगा आरती होती है ना, वहाँ लाखों की संख्या में, जब गंगा आरती कवर किए कि नहीं कवर किए? बहुत बार कवर करे है। इधर बीच कब कवर करना है? इधर बीच हम सोच ही रहे थे कि कवर कर लें, थोड़ा सोचें बिहारी और हमारी बनारसी भाषा में भी हो जाए थोड़ा, तो बहुत जल्दी कवर कर अब हम आप सभी के दिखाए वाली बातें यहाँ की क्या बोलेंगे, आरती। आरती अभी तो उड़ता नहीं है, अभी तो बन रहा है, तो बन रहा है तो बन जाएगा ना, क्या बात कर रहे हैं? जब बन जाएगा तब दिखेगा हमें, अभी बन रहा है, अभी फर्श में है। नहीं इसका नहीं, ये गलत बन रहा है ना, हम लोग उड़ती हुई चिड़िया गिन लेते हैं भाई। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं बनारस के नमो घाट और राजघाट के पास। यहाँ पे राजघाट को पहले दिखा दीजिए, जो है अंग्रेजों के जमाने का बनाया गया, आप सभी लोग जानते होंगे। और हमारे साथ आज जो है तीन तीन मशहूर ब्लॉगर मौजूद हैं। एक मशहूर ब्लॉगर बिहार से हैं और इनको तो आप पहचानते ही होंगे, इसके पहले वाले वीडियो में भी जो मुलाकात करवा दिया था मैंने आपसे, सैगल ब्लॉग जो है, और अभी हमारे साथ इनसे ही मुलाकात करवाई चुके हैं जो है बनारसी जोड़ी। तो तीन तीन मशहूर ब्लॉगर जो है आज बनारस के नमो घाट के पास मिल चुके हैं, तो ये कुछ इनसे बातें करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं इस समय, किस स्थिति में रह रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम भी जब इस घाट पर घूमने आए थे तो एक साथ तीन तीन ब्लॉगर जब मिले हमें तो बड़ा आश्चर्य हुआ हमें कि जो है तीन तीन लोग एक साथ मिल रहे हैं। और हमारे भैया बिहार से आए हुए हैं, बिहार के सीतामढ़ी से, जहाँ पे सीता जी का जन्म हुआ था, यानी जो है ये कहाँ पे आए हुए हैं, राम जी, जहाँ पे राम जी रहने वाले हैं, यूपी आए हुए हैं और बिहार के रहने वाले हैं। सबसे पहले तीनों लोग का बारी बारी स्वागत है आपका, सबसे पहले तो आपका ही स्वागत। अरे क्या बात है, आपका धन्यवाद, आप इस लायक समझते हैं हमें, इसके लिए धन्यवाद। और आप ही लोग की वजह से आज हम लोग जो कुछ है, इतने लोग पहचानने वाले हैं भाई, आप ही लोग की बदौलत है सब। तो सबसे पहले आप सबको धन्यवाद हमें इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए। अच्छा जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको जो है कि अगर आपको बनारस दूर से घूमना है तो इनके ब्लॉग को जरूर देखिए, तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि इनके बनारस जो बनारस के जो ब्लॉग करती है सैगल ब्लॉग, YouTube पर ज्योति वाराणसी और सैगल ब्लॉग दोनों नाम से मिलेंगी, और Facebook पर सैगल ब्लॉग के नाम से मिल जाएंगी आपको। तो बनारस अगर ब्लॉग में घूमना है तो इनके पीछे पड़ जाइए, इनका वीडियो देखिए। और भैया को अगर सीतामढ़ी में देखना चाहते हैं बिहार में, तो इनसे मिलिए, जो है दोनों कपल्स हैं जो है प्यार करके शादी किए हैं, इसके बारे में चर्चे कुछ करेंगे हम। और ये बनारस के जो ब्लॉगर हैं जो है बनारसी जोड़ी, और ये लोग जो है अपनी जोड़ी को बनारसी जोड़ी का नाम दिए हुए हैं। अच्छा कैसे आप लोग हैं बताइए पहले? अरे बहुत अच्छी लाइफ चल रही है जब से यूट्यूब से शुरू किया है, बहुत जगह हमने भी बनारस को बहुत एक्सप्लोर कर लिया है, हमें पता चलता है कि बनारस में इतनी सारी चीज़ें हैं घूमने लायक। जैसा कि आप यहाँ पे पुल भी देख रहे हैं, यहाँ पे जल थल वायु, अब तो वायु भी हो गया भाई, हेलीपैड भी बनने वाला है, पता है कि नहीं आपको? देखिए बिल्कुल हेलीपैड बनने वाला नहीं, हेलीपैड बन रहा है, बन रहा है भाई, बन रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने दिखाया भी है अपने ब्लॉग में, सच बताऊँ अभी दो तीन महीने से मेरे वीडियोज नहीं आ पा रहे थे क्योंकि मेरे बड़े भैया को ऑपरेशन हुआ था, लेकिन अब मेरे वीडियोज आ रहे हैं। सैगल ब्लॉग मेरे चैनल का नाम है, ज्योति वाराणसी आप सर्च करेंगे तो आपको बनारस में जितनी भी फेमस चीजें हैं वो सारी चीजें मेरे ब्लॉग में मिल जाएंगी, और मेरी मस्ती मेरी। चलिए अच्छा आप बनारस, चलिए छोड़िए इस बात को, आप बनारस की हैं, आप बनारस को कवर करती हैं। जब मैं आपका वीडियो इसके पहले किया था तो कुछ दर्शक लोग कमेंट किए थे जो है कि ज्योति जो है बनारस के बाहर कब निकल रही वीडियो करने के लिए? अरे बहुत जल्द निकलेंगे, एक्चुअली निकलने वाले भी थे लेकिन जो है मेरे भैया का ऑपरेशन था, इस वजह से नहीं निकल पाए। अब निकलेंगे दिसंबर तक, दिसंबर तक, यानी कि अब के सर्दियों में जो है सैगल जी आपको बनारस के बाहर कवर करते हुए दिख जाएंगे, चलेंगे आपको उत्तराखंड चला जाएगा हम लोग साथ में। अच्छा आप लोग कैसे हैं बताइए? हम लोग तो बहुत अच्छे हैं। और यूपी में बनारस का नमो घाट और बनारस का सब सीन कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों, क्योंकि ये ऐसा जगह हमारे बिहार को मिलने को, मतलब देखने को नहीं मिला, और यहाँ पर आए बनारस में, तो यूपी में, यूपी के बनारस में, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आने के बाद लगता है कहीं स्वर्ग में आए हुए हैं। सही बात है। ये लोग जो है मिट्ठू मानसी ब्लॉग हैं और जो है बहुत ही तेजी से इसमें वायरल हो रहे हैं बिहार में, नहीं जानते होंगे तो जान जाइए अब मिट्ठू मानसी ब्लॉग। डिस्क्रिप्शन में मैं तीनों लोगों के लिंक दूंगा, तीनों लोगों को आप लोगों को सपोर्ट करना है, क्योंकि जो है ये लोग दो लोग तो जो है बनारस के मशहूर ब्लॉगर हैं और जो है बनारस के एक भी चीज को नहीं छोड़ेंगे। गोदौलिया का पनवा छोड़िए कि नहीं छोड़िए? नहीं नहीं छोड़िए। बनारस में ऐसा कोई प्लेस नहीं होगा जिसको नहीं छोड़ी होंगी। आप लोग क्या क्या कवर किए बनारस? बनारस में हम लोग भी घूमने वाला भी जगह कवर किए हैं, और साथ ही अपने चैनल पे ज्यादा ज्यादा अपनी दोनों की लाइफ स्टाइल दिखाते हैं,
तो ऐसे में हम जैसे अपना लाइफ स्टाइल दिखाते वैसे दीदी का भी चैनल बहुत ज्यादा वॉच करते हैं। और ये बात मतलब आप इनको जो है फॉलो करते हैं? हाँ, हम इनको फॉलो किए हैं। और बहुत सारी जगह तो ऐसी है जो कि इनको देख कर तब जाते हैं हम लोग घूमने। सहगल जी तो बहुत पॉपुलर है बनारस में, आप लोग भी जानते होंगे अगर बनारस के हैं तो। इनके ब्लॉग जो है फेसबुक पे और यूट्यूब पे आते हैं, और यूट्यूब फेसबुक के अलावा कहीं और आते हैं? इंस्टा पे भी आप मुझे विजिट कर सकते हो, उस पर भी सहगल ब्लॉग से ही आप विजिट कर सकते हो मुझे इंस्टा पे भी। अच्छा, सहगल ब्लॉग रखने का कारण क्या है? बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है जो इनका नाम ज्योति जब है तो इन्होंने सहगल ब्लॉग क्यों रखा। मैं खत्री हूँ तो मैं पंजाबी खत्री हूँ, मेरा टाइटल है सहगल, ज्योति सहगल। तो जो सहगल जी का जो ब्लॉग चलता है उनके टाइटल से चलता है? जी जी बिल्कुल, हमारे टाइटल से चलता है हमारा ब्लॉग। और आप लोगों ने बनारसी जोड़ी क्यों रखा, बनारस में रहने कारण? हम लोग बनारसी जोड़ी इसलिए रखे थे कि जब दिल्ली में गए थे तो वहाँ पे बनारस के कोई बंदे नहीं मिलते थे और वहाँ का भाषा बहुत अलग था, तो उसी समय हम लोग ये सोच के रखे थे कि जब हम लोग चैनल का ऐसा नाम रखेंगे कि लोगों को चैनल का नाम बताते ही वो समझ जाएंगे कि हम लोग बनारस के ही रहने वाले हैं। देखिए गुरु, जो है बनारस में जो है एक चीज़ बड़ी मशहूर होती है, बनारस के जो कुछ भाषाएं होती हैं भोजपुरी भाषाएं वो बहुत मशहूर होती हैं, और बनारसी जोड़ी वाले जो भैया हैं ना, इन्होंने इसलिए बनारसी जोड़ी अपने चैनल का नाम रखा कि बाहर कभी ये जाएं तो जो है इनको लोग पहचान सके कि बनारस से आए हुए हैं। और बनारस को कौन नहीं जानता, जो है काशी विश्वनाथ मंदिर यहाँ का प्रसिद्ध है, यहाँ पे आपको क्या फेमस नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो गंगा आरती होती है ना, वहाँ लाखों की संख्या में, जब गंगा आरती कवर की है कि नहीं कवर की? बहुत बार कवर करे है। इधर बीच कब कवर करना है? इधर बीच हम सोच ही रहे थे कि कवर कर लें, थोड़ा सोचें बिहारी और हमारी बनारसी भाषा में भी हो जाए थोड़ा, तो बहुत जल्दी कवर करब हम आप सभी के दिखाए वाली बातें यहाँ की, क्या बोलेंगे, आरती, गंगा आरती। गंगा आरती दोस्तों। अच्छा, आप एक बात और जान लीजिए ना, यहाँ पे जो आरती होती है ना इस बनारस की ना, विश्व में ऐसी आरती कहीं नहीं होती है, वरना सहगल जी से पूछ लीजिए क्या। जी बिल्कुल, आप यहाँ की आरती देखेंगे ना, जो आप एक घंटे जो बैठेंगे वो आपको लगेंगे कम है, इतनी अच्छी। और क्या वो ड्रेस पहने रहते हैं और क्या एक साथ मूवमेंट करते हैं, वो सब मतलब लगता है मतलब एक अलग ही जगह पे हम आ गए हैं ऐसा। ज्योति जी, मुझे तो तब अच्छा लगता है जब लाखों लोगों की संख्या वहाँ मौजूद होती है सिर्फ दशाश्वमेध घाट पे। देखिए वही एक ऐसा घाट है सबसे ज्यादा वहाँ भीड़ लगती है, लाखों भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने की जगह नहीं होती है वहाँ पे। और कई बार तो ऐसा होता है हम ही लोग को अपने घर से निकाल दिया जाता है कि भाई यहाँ नहीं आना है आपको, चलिए उधर से जाइए आप। अच्छा अच्छा, बिहार वाले भैया ये बताइए, आप लोग गंगा आरती देखे कि नहीं देखे? हम बता दे आपके दर्शकों से जो कि गंगा आरती आज तक हम तो कभी नहीं देखे थे, टीवी में न्यूज में देखे थे, लेकिन कल हम देखे। इतना भीड़ था कि मत पूछिए, आज तक हम उतना भीड़ लगता है ये मोदी हो के ये सभा में भाषण में भीड़ नहीं रहता, उससे ज्यादा यहाँ पर कहीं ज्यादा भीड़। अच्छा जानते हैं अब हमको सबसे अच्छा कब लगता है? हमको ये अच्छा नहीं लगता कि बहुत भीड़ लगा हुआ है, हमको तब सबसे अच्छा लगता है जब गंगा जी में इतने मोटर वोट इतने नाव को हम देखते हैं, पूरा जैसे लगता है कि पूरी बनारस के लोग वहाँ मौजूद हो गए हैं। और जब पानी के अंदर लोगों को देखते हैं सहगल जी, हम लोग जब उसमें लोग मौजूद रहते हैं वो अलग ही नजारा होता है, वो नजारा मतलब अलग है। यहाँ पर इस तरह से दिखाइएगा, वो वीडियो जो दिखाइएगा लाइट जल रहा है, इस तरह से हमारे यहाँ तो दीपावली होता है। वाह, मतलब बनारस में, बनारस में है रोज दीपावली है, जब मन चाहे दीपावली मना लो, होली मना लो। हमारे बनारस में दीपावली क्यों ना हो, क्योंकि भैया हम लोग यूपी के रहने वाले हैं और यूपी के अयोध्या में हमारे राम जी का जन्म हुआ था और अयोध्या उन्हीं के नाम मनाई जाती है, तो बनारस में क्यों नहीं मनाई जाएगी? और बनारस में क्या नहीं मशहूर है, हम तो जब आते हैं जब होली के समय आते हैं तो मसाने की होली जब देखते हैं तो वो कितना परफेक्ट लगता है। अच्छा, आप लोग जो है अभी नमो घाट पे मिले हुए हमसे, तो नमो घाट के बारे में क्या कहेंगे, कैसा लगता है आप लोगों को नमो घाट? नमो घाट मतलब हमारे बनारस का मतलब पहला ऐसा मतलब घाट है जहाँ पे आपको जल थल वायु दोनों, आपको पहले तो ब्रिज मिल जाएगा यहाँ पे, और क्या खूबसूरत बनाया गया है। और लाइट, ज्योति जी, जल तो हम देख रहे हैं, थल देख रहे हैं, वायु कैसे दिखाते हैं आप इसमें? हेलीकॉप्टर अभी तो उड़ता नहीं है, अभी तो बन रहा है, तो उसको बन कैसे? रहा है तो बन जाएगा ना, क्या जाएगा? बात कर रहे हैं, जब बन जाएगा तब दिखेगा हमें, अभी बन रहा है, अभी फर्श में है, नहीं इसका नहीं, नहीं ये गलत बन रहा है ना, हम लोग उड़ती हुई चिड़िया गिन लेते हैं भाई, बस गिन लिया। ठीक है, चलिए इनकी मान लेते हैं क्योंकि भैया बड़ी ब्लॉगर है, ठीक है तो इनकी मान लेते हैं, सहगल ब्लॉग्स और जो है ये है जो है, ठीक है। तो भैया जो है अब हम क्या आगे बात करें, बातें तो होती रहेंगी, अगर बातें करते रहे तो रात बीत जाएगा, बस वीडियो में यहीं तक रखेंगे। बनारसी जोड़ी को सपोर्ट करिए, जाइए सब्सक्राइब करिए, चैनल ढूंढिए, यूट्यूब पर नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, सहगल ब्लॉग नहीं भी सर्च करेंगे तब वो आपको आ जाएंगे, लगता है हमको सामने आ जाते हैं आप, सर्च करिएगा ज्योति वाराणसी, सर्च करिएगा आप लोग, और मिठू मानसी ब्लॉग इनको भी सर्च करिए। तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट चाहिए क्योंकि हम लोग बिहार से, और ज्यादा से सपोर्ट, भैया यूपी आए हैं आप लोग के बदौलत जो है, यूपी घूमने आए हैं तो इनको सपोर्ट करिए। बाकी हमारा प्रयास इनके साथ कैसा लगा, और इन लोगों को ब्लॉग को जब देखिएगा आप तो हमारे कमेंट में बताइएगा कि इन लोग का ब्लॉग कैसा लगता है। बाकी इन तीनों ब्लॉगर से जुड़ने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप लोग का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।